वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय चैनल एन जी मेडिकल इस वीडियो में हम फिर एक हेल्थ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आजकल जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज़ है लाइक डायबिटीज़ मलाइटिस जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं उसको हम घरेलू नुस्खों से कैसे कम कर सकते हैं तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ आजकल कॉमन है बट ये अगर कंटिन्यूस बढ़ी रहे आपके अंदर मान लीजिए आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर लेवल हमेशा इंक्रीज़ रहेगी तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं आपकी आई साइड यानी आपकी आंखें पूरी तरह से ख़राब हो सकती हैं आपकी किडनी ख़राब हो सकती है हो सकती, आपके इंटरनल ऑर्गन ख़राब हो सकते हैं आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना सीखें उसको कम रखना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीजें घरेलू चीज़ें यूज करें जिसकी हेल्प से आपकी शुगर लेवल मेंटेन रहे साथ ही साथ जितने भी डायबिटिक लोग हैं वो सब मेडिसिन लेते होंगे आई एम श्योर लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है और मान लीजिए किसी भी रीज़न से आप अपनी डाइट प्लान नहीं कर पा रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं और आपकी शुगर लेवल बढ़ती चली जा रही है या जब थोड़ा सा भी मीठा खाते हो तो बढ़ जाती है तो इसके लिए मैं लाई हूँ ये वीडियो सिर्फ पाँच ऐसे उपाय जो आपके शुगर लेवल को हमेशा नॉर्मल रखेंगे चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन से उपाय हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूं टाइप टू डायबिटीज मिलाइटिस है मुझे और मैं आजकल क्या कर रही हूँ एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ तीन दिन पहले मेरी शुगर लेवल फास्टिंग की बात कर रही हूँ टू सिक्सटी सिक्स थी और आज मैंने चेक करी है तो वन सिक्सटी फाइव निकली है तो आप समझ लीजिए ये तीन दिन में तीन दिन तीसरा दिन और आज का दिन काफ़ी हद तक मेरे शुगर लेवल मेंटेन हुआ है ठीक है उसका रीज़न है उसका जो राज है वो है ये एलोवेरा हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा की लीफ यानी पत्तियाँ बहुत सारी चीज़ों में यूज की जाती हैं और ये मैजिकल लीफ भी कही जाती हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर सिर्फ डायबिटीज़ को कम करने की ताकत नहीं होती ये आपके जो आपके रिंकल्स पड़ जाते हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं है ना आपके बीमारियाँ होती छोटी छोटी बीमारियों से भी आपको बचाती हैं इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ये आपको छोटी छोटी बीमारियों से भी बचाता है आपका पेट भी साफ रखता है आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है आपकी स्किन भी अच्छी रखता है रिंकल्स नहीं आने देता बालों के लिए ये बहुत बेहतरीन है ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है बाल घने करने में हेल्प करता है बहुत फ़ायदे हैं इसके हम शुगर लेवल की बात करें तो इसको आपको डेली एक मीडियम साइज़ की यहाँ पर देख लीजिए लीफ ले, ले लेनी है ये मैंने ले ली है मीडियम साइज़ की एक लीफ लेनी है आपको और उसको कट कर लेना है कैसे कट कर लेना है पहले दोनों साइड से इसके ये ये साइड्स हटा देने हैं उसके बाद बीच से कट करना है और स्पून की हेल्प से या किसी भी चीज की हेल्प से इसका ये जो बीच में ये जो है इसको निकाल लेना है बाकी लीफ को फेंक देना है ठीक है दोनों तरफ से आप इसे निकाल लोगे ये देखो मैंने बाउल में इसको निकाल लिया फिर मैंने क्या किया मैंने इसको इसके अंदर चाट मसाला है ना चाट मसाला आता है जल जीरा जो भी आपको मिक्स करना है उसमें ऐड किया और मिक्सी में मैंने इसको अच्छे से पीस लिया पीसने के बाद ये बहुत लिक्विड बन जाता है थोड़ा थिक लिक्विड होता है थोड़ा थिक लिक्विड होता है बट जब आप इसे पियोगे तो आपको ये बिल्कुल भी टेस्टलेस नहीं लगेगा आपको ख़राब नहीं लगेगा आपको कड़वा नहीं लगेगा तो आप ये मत सोचिए कि इसको कैसे पियेंगे एक बार सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिए आपके घर में जितने भी डायबिटिक लोग हैं आपकी मदर हैं आप खुद हो फादर हैं जो भी है ठीक उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए इसको आप जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से इसको खाइए और पीजिए सॉरी और अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखिए तो ये काम कैसे करता है एक्चुअली इसका काम क्या है कि ये आपके अंदर इंसुलिन सिक्रियट करने में हेल्प कराता है इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारे पैनक्रियाज से निकलता है अब मैं आपको इंसुलिन की इंपॉर्टेंस बताती हूँ इंसुलिन क्या करता है कि ये आपके अंदर के शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है ये एक तरह का हारमोन है सभी के अंदर होता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उन लोगों का इंसुलिन या तो बनना कम हो जाता है या बनना बंद हो जाता है तो अब इंसुलिन जब नहीं बनेगा बनेगा या कम बनेगा, तो आपकी शुगर लेवल अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा उसको रोकने के लिए कोई बचेगा नहीं ठीक है तो एलोवेरा क्या कर रहा है आपका जो इंसुलिन बनना कम हो गया था या बंद हो गया था उसको दोबारा से बनाने में हेल्प करता है नेक्स्ट आ जाते हैं मेथी जो कि बहुत ईजिली आपको घर में मिल जाएगी अगर आप एलोवेरा नहीं खा सकते हो आपको लगता है कि मुझे लाइक आपके घर पे नहीं लगा हुआ एलोवेरा या आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मेथी ले सकते हो आपको कुछ करना नहीं है ये देखिए एक चम्मच मेथी आपको ले लेनी है मेथी के दाने और रात में एक ग्लास में इसको डाल करके रात भर के लिए छोड़ देना है सुबह जब आप उठेंगे तो मेथी आ, अलग निकाल लीजिएगा और जो पानी होगा वो कुछ इस कलर का हो जाएगा इसमें क्या है ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है पानी आप आराम से इस पानी को पीजिए सुबह और शाम बिना कुछ खाए पिए सुबह में बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए आपको क्या करना है सबसे पहले ये मेथी का पानी पीना है उसके आधे घंटे बाद कुछ खाना है तो ये बिल्कुल भी टफ़ टास्क नहीं है डेली आपको सिर्फ मेथी भिगोनी है सुबह उसके पानी को पी लेना है ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है अब मेथी किस तरह से आपके अंदर के शुगर लेवल को कम करती है एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके शुगर को यूटिलाइज कराने का होता क्या है कि जब इंसुलिन हमारा बंद हो जाता है बनना इंसुलिन हार्मोन या कम हो जाता है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज लेवल यानी शुगर को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है ठीक और जब शुगर यूटिलाइज नहीं होगी यूज़ नहीं होगी तो वो ब्लड में बढ़ती चली जाएगी मेथी का काम क्या है कि ये आपके अंदर के जो शुगर को को आपकी बॉडी को हेल्प करती है कि बॉडी आपकी शुगर लेवल को यूटिलाइज करे ठीक है तो जब आपकी बॉडी के मसल्स आपके अंदर की शुगर को यूज करने लगेंगे तो आपके ब्लड में शुगर बढ़ना कम हो जाएगी और आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो ये है मेथी का फंक्शन इसके अलावा अगर आप मेथी भी नहीं खा पा रहे हो आप कोई इससे भी प्रॉब्लम है वैसे होनी तो नहीं चाहिए फिर भी नेक्स्ट है सदाबहार पेड़ या एवरग्रीन प्लांट ये एवरग्रीन प्लांट आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये हर किसी के वहां होता है मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा एवरग्रीन प्लांट है सदाबहार कि ये हर किसी के घर में मिल ही जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है सुबह में चार पत्तियाँ इसकी तोड़िए चार लीव तोड़िए उसको धोइए और उसको ऐसे नॉर्मली चबा के खा लीजिए थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन यही आपके अंदर इंसुलिन सॉरी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं उसी तरह से शाम में आपको क्या करना है इसकी चार लीव पत्तियाँ लेनी है उसको धोना है और चबा के खा लेना है अगर आपको लगता है कि आप जब, मतलब छू करके या चबा करके नहीं खा सकते हो तो आप कुछ ना करिए इसका जो फ्लावर्स हैं फूल हैं इसको लीजिए पानी में बॉईल करिए और उसका वाटर इनटेक यानी पानी पी लीजिए वो भी कड़वा होता है इसके अलावा अब आप ये भी नहीं कर सकते हो तो इसकी बहुत सारी पत्तियों को तोड़ लीजिए धूप में सुखा लीजिए उसको पीस करके उसका पाउडर बना लीजिए और डेली एक चम्मच खा के घर से निकलिए इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा नेक्स्ट है आपका करेला जो कि सबसे कड़वा होता है मैंने तो ये भी ट्राई किया है ट्रस्ट मी। मैं इससे पहले करेला ट्राई कर रही थी बहुत मुश्किल से फिर मैंने सोचा कि करेले की जगह मैं कुछ और यूज करती हूँ फिर मैंने नीम यूज़ किया देन अब मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ ठीक है तो करेला लेकिन मैं आपको बता दूँ शुगर लेवल अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है कुछ नहीं करना है आपको करेला लेना है इस तरह से वॉश करके कट करना है मिक्सी में उसको पीस लेना है पीसने के बाद आपको क्या करना है कि उसका जितना भी पीस करके उसको छान लेना है अच्छे से छान लोगे जितना भी उसका लिक्विड निकलेगा उसको नाक बन करके कैसे भी करके पी लो ट्रस्ट मी एक दिन के अंदर मैं बता रही हूँ एक दिन के अंदर ये करेला आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगा समझिए आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है मैं इसको पीते पीते थक गई थी तो मैंने इसको छोड़ करके एलोवेरा ट्राई किया और मुझे बेस्ट वैसे एलोवेरा ही लगा क्योंकि उसमें चाट मसाला मिला लिया था मैंने तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको पीने में करेला सबसे बेस्ट है अभी तक का माना गया है ये इंसुलिन की तरह एक्ट करता है एक्चुअली इस पर रिसर्च भी चली है और पता चला है कि करेला इंसुलिन की तरह एक्ट करता है और आपके बॉडी के जो सेल्स हैं है ना आपकी बॉडी पूरी सेल्स से मिलकर बनी हुई है इंसुलिन क्या कर रहा था जब इंसुलिन आपके अंदर नॉर्मल था तो वो सेल्स को अलाउ कर रहा था कि ग्लूकोज को वो ले ले ठीक है अब इंसुलिन नहीं है तो सेल्स आपके ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं यानी कि शुगर आपके अंदर जो बढ़ रही है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं करेला क्या कर रहा है इंसुलिन जैसा सेम काम कर रहा है वो सेल्स को ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में हेल्प करा रहा है जिससे आपके शुगर लेवल जो है जितनी यूज़ होनी है वो यूज़ हो जा रही है बॉडी के अंदर और जितनी नहीं होनी है वो आपकी मैनेज हो जा रही है तो इस तरह से करेला हेल्प कर रहा है और एक और चीज़ ये जो सदाबहार मैंने बताया ये आयुर्वेद के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा रिसर्च इस पर चली है और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नीम तो नीम का भी सेम प्रोसेस है जो कि करेला करता है ये थोड़ा सा स्लो वर्क करती है करेला थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है तो नीम का क्या है उसको भी सेम चीज़ आपको करनी है उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ लेनी है उसको धुलना है धुलने के बाद उसको मिक्सी में पीस लेना है थोड़ा सा पानी डाल करके और उसको छान करके पी लेना है तो ये भी सेम वर्क करेगी जो करेला वर्क करेगा ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी है इन सारी चीज़ों में से कोई एक आप यूज़ करिए और आप देखिएगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी नॉर्मल में आ जाएगा फिर आप थोड़ा थोड़ा मीठा भी खा सकते हो अपने मनपसंद की चीज़ें भी आलू भी खा सकते हो लेकिन ये चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी देखो मेडिसिन अच्छी चीज़ है ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेडिसिन खा करके अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करे स्पेशली मैं मेरी तो शुगर लेवल सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती मुझे थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड रहना पड़ता है लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ जी तो रही हूँ ना मैं अपने मनपसंद की चीज़ें खा लेती हूँ थोड़ा सा मीठा भी खा लेती हूँ थोड़ा सा समोसे वगैरह भी ले लेती हूँ तो इसलिए करती हूँ मैं ये कर पाती हूँ क्योंकि मैं अल्टरनेटिवस पे भी जीती हूँ मेडिसिन मैं लेती हूँ साथ ही साथ मॉर्निंग में कुछ ना कुछ ले करके इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ खा करके घर से निकलती हूँ जिससे कि मेरी शुगर लेवल नॉर्मल रहे सो so, जिंदगी को जीना तो है ही तो अपनी ज़िंदगी को जीने के तरीके बदलना पड़ेंगे वरना <laughs> कोई भी बीमारी आपको जीने नहीं देगी ठीक है तो मेरी मानिए एलोवेरा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस एलोवेरा अलु, के साथ ही रहा है प्लस मैंने मेथी भी इस ट्राई की है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आप आराम से इसका पानी पी सकते हो मैं सदाबहार के लीव्स भी खा चुकी हूँ कई बार कड़वे ज़्यादा होते हैं सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा करेला के साथ रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा डर, डर लगता है उसको पीने में और नीम भी ठीक लगता है तो आपको इस पे ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा जब आप सारी चीज़ें ट्राई करके देखोगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ हेल्थ वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अगर आप ये ट्राई कर रहे हो अगर आपको इसमें फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो बाकी लोग भी देख करके उसको ट्राई करेंगे मैं सारे हेल्थ के वीडियो सिर्फ वही चीज़ों को लेकर के बनाती हूँ जो मैंने ट्राई किए हुए हैं या मेरे घर में किसी ने ट्राई किए हुए हैं अदरवाइज वीडियोज़ तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पर लेकिन मेरा वीडियो है जेन्यन है इफ़ेक्टिव है और ट्राई करने के बाद ही बनाया गया है सो so प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देन बाय बाय टेक केयर हैव है नाइस डे